मैं राजन जनागर मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जो एशिया का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है, बीकानेर शहर से 10 किलोमीटर दूर और बीकानेर जोधपुर मार्ग पर बनाया गया है। स्थापना 5 जुलाई 1984 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। 689 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये यहाँ से हमने टिकट ले लिया है और अंदर विजिट करने जाएंगे तो सोचा कि पहले कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हमें फाइनली हल्दी दूध पीने को मिल रहा है। अभी कैमल का है, कैमल तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए ना, मैं क्यों मैं फर्स्ट बार पी रहा हूँ कैमल दूध मिलने नहीं। ये नया प्रोडक्ट बनाया गया है, आज से शुरुआत हुई है इसकी, बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मैंने अभी तक कैमल का दूध नहीं पिया, फर्स्ट बार पी रहा हूँ मैं। ये अभी आप जो ये देख रहे हो, ये ऊँट की जब नेचुरल डेथ हो जाती है उनके बाद प्योर चमड़े से ये बनाया गया है। बैग बहुत अच्छे हैं और लेडीज़ बैग भी है साथ में। ये लेडीज़ बैग है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है इसका। और इंडिया का जो हम राजस्थानी जानने जाता है डिज़ाइन के लिए, ये भी सोल देख रहे हो, ये भी सोल, ये 1 2 3 4 5 ये पूरे ऊंट के जो ऊनी बोलते हैं ऊन से बनाया गया है। अभी मतलब राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से कुछ मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। ऊंटों को रेगिस्तानी जाज क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके काम भी कुछ ऐसे हैं। चाहे सुरक्षा की बात कर लो, राजस्थान से सटी सीमा पूरी है जो पाकिस्तान सीमा बॉर्डर लगती है, और वहाँ पे जितना भी काम होता है ऊँटों से किया जाता है। चाहे बात कर लेते इंदिरा गांधी नहर की, नहर बनाने के समय ऊँटों ने अपनी अहम भूमिका निभाई और इंजीनियरों का काम आसान कर दिया। इस केंद्र के अंदर ऊँटनी ने एक सफ़ेद बच्चे को जन्म देने के बाद ये केंद्र और भी लोकप्रिय बन गया। तो आपका नाम क्या है? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह जी, तो हमें ये बताइए आप इनके बारे में कुछ खास आपको कोई जानकारी है तो वो हमें बताओ। यहाँ जिस वक्त आप खड़े हो, यहाँ डेयरी है, इसको डेयरी बोलते हैं, यहाँ दूध निकाला जाता है, ठीक है। इसमें जो कच्छी नस्ल है वो सबसे बेस्ट नस्ल हमारी मानी गई है यहाँ। अच्छा अच्छा। दूध में क्वालिटी भी अच्छी है उनकी और सबसे ज़्यादा दूध कच्छी नस्ल का होता है। कच्छी नस्ल का जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। और वो जो अलग बड़ा बनाए रखा है वो छोटे बच्चों के लिए है, जैसे बड़े बच्चे हैं उनसे जो आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं तो उनको अलग से रखते हैं। तो फाइनली हम ये जो बड़ा देख रहे हैं ये दूसरा बड़ा है, और इस बड़े में जो बच्चे हैं वो हमारे नज़दीक तो नहीं है लेकिन दूर है और हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये ऊँट गाड़ा है और इसमें अभी ऊँट तो नहीं है, ये ऐसे लग रहा है पिछले कुछ समय से यहीं खड़ा है। और मुझे इस पे बैठने का बहुत शौक़ है, मैं जब छोटा था तो ऊँट पे बहुत सवारी की है मैंने। राजस्थान का रेगिस्तानी जाज पूरा सजा हुआ है और मानो मन ऐसा करता है कि मैं अभी इसके ऊपर जाकर बैठ जाऊं। ये बहुत ही यहाँ पे बैठने से आनंद मिलेगा आपको, अगर आप यहाँ आए हो तो एक बार इसके ऊपर ज़रूर बैठना रेगिस्तानी जाज पे। Thank you.
ये जो खतरनाक ऊंट है ना इनके लिए लगाया गया है। हाँ देखो, हाँ और लॉक भी किया हुआ है। हाँ लॉक किया हुआ है। कौन सी किस चीज़ हड्डियों से बनी हुई है और दांतों के भी अलग अलग यहाँ पार्ट्स रखे हुए हैं। और जो ये पूरी आपका भी दिखा देख लो, ये पूरा है ओरिजिनल देख लो, तो मैं अभी और आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हो ये नेचुरल डेथ होने के बाद कचरा जो भी है वो बने हुए हैं।